अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। मनपा कन्याशाला क्रमांक 5 में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए महमूद खान पठान ने की मांग। अकोला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अकोला पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष को पिछले कई दिनों से अकोला मनपा उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कन्याशाला क्रमांक 5 के विद्यार्थियों के पालकों ने महमूद खान पठान के पास मौखिक तकरार की, जिसमें उन्होंने बताया कि मनपा द्वारा संचालित इस शाला में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिस पर महमूद खान पठान ने पिछले दिनों शाला क्रमांक 5 में पहुंचकर सारी समस्याओं को समझा और देखा कि शाला में बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं है। साथ ही अकोला में पिछले दिनों बच्चे चुराने वाली टोली के बारे में पता चला, जो विविध शालाओं के आसपास बच्चों को चुराने की फिराक में रहते हैं। इसी को देखते हुए महमूद खान पठान ने स्कूल में बैठने के लिए छात्रों को हो रही समस्याओं के साथ साथ निवेदन में सिक्योरिटी गार्ड की मांग पर भी ज्यादा जोर दिया है। साथ ही इस आधुनिक युग में कंप्यूटर का भी अपना अलग महत्व है, इसीलिए शाला में डिजिटल क्लास की भी मांग का निवेदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अकोला शहर अध्यक्ष मोहम्मद रफीक सिद्दीकी के नेतृत्व में जिलाधिकारी एवं मनपा आयुक्त से किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, महमूद खान पठान, देवानंद ताले, हाजी लतीफ, हारून शेख, इरफान रजा, शेख जाकिर, शेख सोहेल, यूनुस खान, शेख बबलू, आसिफ खान आदि पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, जिसमें हमने बताया है कि कन्या क्रमांक 5 लकड़ागंज स्कूल के अंदर जो लड़कियों की स्कूल है 5 नंबर, उसके अंदर बैठने की टेबल नहीं है। तो हमने टेबल वहाँ पर 100 टेबल दिया जाए ऐसी मांग की, और महानगर पालिका के अंदर जितनी भी स्कूल आती है, जैसा भी किडनैपिंग कुछ दिन पहले किडनैपिंग की कोशिश की गई लेकिन वो असफल रहा, उसकी वजह से हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि तमाम जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पर उन लोगों को स्कूल में सिक्योरिटी दी जाए, ऐसी हमने मांग की है।